में आ गए हैं। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में भागवत कथा करने के लिए आए आचार्य श्याम सुंदर शास्त्री का कहना है कि वो मथुरा पहुंचकर केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे देश के लिए लड़ रहे हैं, जिसका हर किसी को साथ देना चाहिए। गौरतलब है कि मजबूत लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अन्ना कल यानी 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना देंगे। ये बिल पास होता है लोकपाल बिल तो ये एक देश के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा और मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य है और ये होना जरूरी है। उनका अनशन और अहिंसात्मक रूप से हम उनका सहयोग करेंगे और अनशन आदि के द्वारा हम उनका सहयोग करेंगे और अपनी साधना के द्वारा उनका सहयोग करेंगे।